दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का नाम प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में बैठक के दौरान ममता बनर्जी के द्वारा सामने लाया गया, जिसका समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया। इसको लेकर जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए सभी दलों को इकट्ठा किया, वहीं उन्होंने लगातार बैठक भी करवाई, लेकिन अब जो बात प्रधानमंत्री को लेकर उठा रही है या नहीं उठाना चाहिए था। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की महंगाई को देखकर लोगों ने कांग्रेस को हटाया और भाजपा को लाया था, लेकिन फिर से अब कांग्रेस को लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस पर लोगों को विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार में ही नहीं पूरे देश में लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को कौन जानता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विश्वास करने लायक नहीं है, जनता भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगी। बात है, सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। इंडिया आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था, सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अब जहाँ तक सवाल है, ये सब जो बात उठती है, तो ये बात नहीं उठना चाहिए। ये जो उठ रही है, अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। खड़गे जी का नाम देखिए, खड़गे, एक तो हम एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में लोगों ने, आम पब्लिक ने, इसलिए महंगाई था, महंगाई के खिलाफ में ये भाजपा को लाया, आदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर उसका कहीं पहचान है? जो धंधा करते आया वही धंधा करेगा वो? विश्वास वैसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं। उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया, अब भाजपा ने महंगाई को चरम सीमा पर ले दिया, इन्होंने तो और ख़त्म कर दिया सब कुछ, कर दिया, तो अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए भाजपा को समाप्त करने के लिए। उसके विरोध में जब तक नीतीश कुमार को नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा। ये ममता बनर्जी बोल दी और कोई बोल दिया, इसलिए बोल दिया, साथ ही में बैठे उठे हैं सांसद, वो भी सांसद, ये भी मंत्री, ही वो सांसद, इस तरह बैठने के कारण एकाएक चेहरा उभरता ना, लगता कि हाँ नीतीश कुमार है, तो साथे बैठे तो कुछ बुझबे नहीं करता है। मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं है, वो विवादित आदमी है, उनको प्रधानमंत्री बनावे कि नहीं बनावे, उनका अभियान है, लालू यादव का अभियान है, भाजपा को उखाड़ फेंको, भाजपा को भगाओ, करेंगे, पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे, कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, ताप बोले तो हम जान गए, उनको कोई नहीं जानता है, बड़े मुख मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है, आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं। इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सांसदों का संसद से निलंबन लोकतंत्र की हत्या कहते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी माले के अलावे कई पार्टियों ने भागलपुर के समाहरणालय स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही 146 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सांसदों का संसद से इस तरह का निलंबन लोकतंत्र की हत्या है, मोदी सरकार तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए यह काम की है, यह कहीं से सही नहीं है, इसका जवाब जनता 2024 और 2025 के चुनाव में देगी। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टी के अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जानते हैं कि 13 तारीख को सदन में किस तरह से लोगों ने, चार लोग, दो लोग घुस कर करके किस तरह से सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का काम किया, और वहां पर उन्होंने जिस तरह का ये किया था वो बिल्कुल सही नहीं था। इतनी सुरक्षा में, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की गई, इसी की आवाज़ को उठाते हुए जो सांसद थे, विपक्ष की जो सांसद थे,
जब आवाज उठाई और जवाब मांगने का काम किया, तो इसमें उन सांसदों को जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या जो हो रही थी उसको रोकने के लिए उन्होंने जब आवाज उठाई, तो सारे सांसदों को जो विपक्ष के सांसद थे उन्हें निष्कासित किया गया। इसी के जब आप लोकतंत्र हमारा वो इंडिया महागठबंधन की ओर से किया गया है, जो विगत दिनों में संसद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो है जो घटना घटी उसके विरोध में जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने जब आवाज़ उठाई संविधान के तहत आवाज़ उठाई, तो ये निरंकुश सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने उल्टा जो है न्याय को जो है क्या देंगे कि उन्हीं को निलंबन का जो है काम किया, 142 को निलंबन किया और उसके बाद रात में कल न्यूज़ आया चार और का, यानी 148 का जो है निलंबन हो चुका है। जिस जो राष्ट्र का जो है मंदिर है, जो प्रजातंत्र का मंदिर है, जिसको हम जो है संसद भवन कहते हैं, वो संसद जब सेफ नहीं है, जो दो आदमी के द्वारा जो है वहाँ पे जो है जो घटना घटी जो है वो कितनी शर्मनाक घटना, जब संसद सेफ नहीं है तो क्या भारत सेफ रह सकता है इन जो है के हाथों में, जो दावा करते हैं मोदी सरकार जो है कि हम जो है राष्ट्र को जो है दिशा दे रहे हैं और बहुत मजबूत हाथ में है, इससे कमजोर हाथ कोई नहीं हो सकता। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत भागलपुर पहुंचे, जहां भाजपा एवं RSS के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके आगमन को लेकर भागलपुर जिले के आसपास के जिलों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। मोहन भागवत के भागलपुर पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मोहन भागवत शहरवासियों से मुखातिब नहीं हुए। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में 53 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचे और वहां के आश्रम के आचार्य और साधु संतों से मिलकर कई बिंदुओं पर संवाद किया। उन्होंने सबसे पहले महर्षि मेही परमहंस जी महाराज और संत सेवी महाराज की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि किया, फिर संतमत सत्संग भवन प्रसाल में आकर आश्रम के आचार्य व साधु संतों के साथ संबोधन कार्यक्रम में भाग लिया। उसी दौरान महर्षि मेही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि मेही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट जारी किया गया। इस फिल्म में बने 5 मिनट के शॉर्ट को भी दिखाया गया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद आज वो अपने काफिले के साथ पटना के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम के दौरान कुप्पा घाट परिसर में आज अनुयायियों के लिए प्रवेश वर्जित था। उन्होंने कहा कि महर्षि मेही पर बनी फिल्म काफी रोचक है, इस फिल्म में महर्षि मेही के ही जीवन शैली को दर्शाया गया है, इसे लोगों को जरूर देखना चाहिए। वहीं आगामी चुनाव को लेकर किसी तरह तो इसको निभाने के लिए ऐसा जीवन अपने सामने है, जिन्होंने ये फिल्म का निर्माण किया है उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, औपचारिकता के नाते नहीं। तो फिल्मों में से अनेक बातें समाज में पहुंचती है, वो गड़बड़ बातें भी पहुंचती है, अच्छी बातें भी पहुंचती है। तो आपने, मैं समझता हूं कि बम्बई में आपने करियर शुरू किया है तो नए ही होंगे आप, तो अपने नए पन में एक तरह से अपने करियर का मुहूर्त आपने इतने अच्छे विषय से किया है जो स्मरण करने से हम पवित्र होते हैं और जिसके समाज में प्रचलित होने से समाज ठीक ठाक बनता है। तो सभी फिल्म वाले इनका अगर अनुकरण करें तो धरती स्वर्ग में जाए, इसलिए आपको बधाई भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं।
आपके हाथ से समाज के स्वास्थ्य को बनाने वाली ऐसी ही अनेक फिल्में आगे आती रहेगी और हम लोग देखेंगे तो वो केवल मनोरंजन के लिए तो है नहीं। ये फिल्म हमने देखी तो कुछ ना कुछ उसमें से हम ग्रहण कर सकते हैं। हम महर्षि यही महाराज जहां पहुंच गए थे वहां हम पहुंचेंगे कि नहीं बता सकते। मेरा मैं बता सकता हूं, मैं बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, परंतु मैं वहां नहीं पहुंच सकता लेकिन उस दिशा में 10 कदम चल तो सकता ही। तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में निरंतर उस ओर बढ़ना यह हमारा काम है। देख के कुछ दो बातें, पांच बातें, 10 बातें उसमें से ग्रहण करना, वो अपने जीवन में उतारना, अपने स्वभाव का अंग बनाना दिया जाए, इसके लिए संत प्रमाण है, ग्रंथ बहुत है, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान भी मिलता है, परंतु ज्ञान का ठीक ठीक बोल होना और वो ज्ञान बुद्धि से हृदय में उतरना, ये तो संतों के कारण होता है क्योंकि उनके पास केवल पोथी नहीं है, उनके पास अनुभव है, प्रतीक है, प्रतीति। तो प्रतीति वाले संत दुनिया में रहते हैं, इसलिए सारी दुनिया को टिकाए रखने वाला, उन्नत करने वाला धर्म कहता है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। धर्म यानी पूजा पाठ खान पान नहीं है, तो सृष्टि के, मानवता के, व्यक्ति के, कुटुंब के, सबके जीवन को एक साथ जोड़कर आपस में बिखरने न देते हुए ऊपर उठाकर चलाने वाला जो तत्व है उसको धर्म कहते हैं। और अपने ऐसा कहा है कि धर्म से तत्व निहितम द्वारा, श्रुति अनेक है, स्मृति अनेक है और कोई एक प्रमाण नहीं, ग्रंथों में देखा जाए वो अलग अलग है, इसलिए मनुष्य भ्रमित हो सकता है क्योंकि धर्म का तत्व अत्यंत गुप्त है और इससे सामान्य दुनिया बड़े लोग जैसा चलते हैं वैसे चलती है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में यादव महासम्मेलन को लेकर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा जनसंपर्क अभियान कई दिनों से कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष चंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और आगामी 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन के विशाल आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी दी। साथ ही यादव महासम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को हिस्सा लेने की अपील की। इस सम्मेलन को लेकर कई राज्यों की सांसद विधायक के साथ साथ हजारों लोग भागलपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही भोजपुरी जगत के सुपरस्टार गायक टुनटुन यादव और रवि यादव भी इस यादव सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। लोगों को इस सम्मेलन में रहने खाने की मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव, राष्ट्रीय महासचिव श्याम नंदन यादव, जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष रंजन यादव, प्रमंडलीय प्रभारी अभिषेक यादव, युवा जिला अध्यक्ष अंकित यादव के अलावे दर्जनों अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यकर्ता मौजूद थे। सैंडिस कंपाउंड में हम लोग का ये कार्यक्रम होगा 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को। इसमें हमारे देश भर से जो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और सभी 20 राज्यों से हमारे वहाँ से डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, सभी जगह से हमारे डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं। हम लोग सब मिल करके कार्यकारिणी का बैठक कल करेंगे। इसके बाद 23 तारीख को, 24 तारीख को हम लोग सैंडिस कंपाउंड में एक अधिवेशन करेंगे जिसमें यहाँ के हमारे सभी राज्यों से आने वाले और बिहार राज्य से खास करके सभी जिला से जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी लोग आएंगे।
उद्देश्य से हम लोग 24 तारीख को इस कार्यक्रम को सफल बनाए उसके लिए आज हम लोग एकजुट हुए हैं कि उस पर चर्चा हो। और ये कार्यक्रम यादवों का जो कार्यक्रम है ये कोई राजनीतिक किसी दल से नहीं है, ये सामाजिक कार्यक्रम है जो एक समरसता का भाव हो, सभी में एक स्नेह का भाव, सभी एकजुट आए हुए। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम सभी यादव एकजुट एक संगठन की तरह रहे, एक दूसरे की सहयोग करें और जो भी शिक्षा। आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक भवन स्थित परीक्षा शाखा के मुख्य दरवाजे पर 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने दोपहर में जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्र छात्राओं का कहना है कि बीते दिनों से विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट लेना है लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन सुन नहीं रहा है, रोज घूम कर यहां से जा रहे हैं, दिन भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है लेकिन काम नहीं हो पाता तो घर वापस जाना पड़ता है, हम लोग दूर से आते हैं लेकिन हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। एक छात्रा मीडिया के सामने अपनी समस्या बताते बताते रोने लगी। छात्रा भी सर्टिफिकेट लेने विश्वविद्यालय पहुंची थी लेकिन उसे कर्मचारियों ने वापस भेज दिया। दरअसल छात्रा बीएससी ऑनर्स साइंस का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची थी, सर्टिफिकेट नहीं मिलने से नाराज छात्रा मीडिया कर्मी के सामने रोने लगी। छात्रा आरती कुमारी ने बताया कि वो 2 दिनों से विश्वविद्यालय में चक्कर काट रही है। खगड़िया जिला से वो सर्टिफिकेट लेने के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय पहुंची थी। छात्र ने कहा कि उनके सर्टिफिकेट में नाम गलती कर दिया गया था जिसको सुधार के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय में दिया था लेकिन हस्ताक्षर के नाम पर उसे घुमाया जा रहा है। वहीं साहेबगंज के रहने वाले छात्र तौहीद आलम ने बताया कि वो पिछले 1.5 माह से ऑनर्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए घूम रहा है, यूनिवर्सिटी पहुंचा था लेकिन कर्मचारी टाल मटोल कर रहे हैं, कभी ऊपर भेजते हैं तो कभी नीचे काउंटर पर भेजते हैं, किसी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं, आप अपना खुद देख लो। ले लिया सर्टिफिकेट, रिटर्न नहीं कर रहा है, वो दे नहीं रहा है, डेली बोल रहा है कल आओ, कल से खड़े हैं 24 घंटा से, दे नहीं रहा है साइन करके, आज साइन हो रहा है तब साइन हो रहा है कर रहा है वो। सर्टिफिकेट बीएससी ऑनर्स का, साइंस का सर्टिफिकेट था, कॉमर्स का सर्टिफिकेट दे दिया, गलत सर्टिफिकेट दिया, उसको सही करने दिए तो वो सही लेके रख लिया गलत वाला और सही करके दे नहीं रहा है। कब से दौड़ रहे हैं? अगवानी डुमरिया से देख लीजिए, 13 तारीख को ही जमा किए हैं, तब से बोल रहा है कल आओ कल दे रहे हैं, 2 दिन से खड़े हैं, पूरा 3 भर यहाँ खड़े रह के जा रहे हैं, देने का नाम नहीं लेता है, साइन नहीं हो रहा, कभी बोलता है बीएससी साइन नहीं किया, कभी बोलता है टेबुलेटर साइन नहीं किया है। क्या नाम है? आरती कुमारी, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, एसएम कॉलेज से ऑनर्स किए हैं, कॉमर्स का। समय शाम को डिग्री लेना है और आए हैं 10 बजे ग्रेजुएशन का, हाँ जो मूल प्रमाण पत्र है वो लेना है, तो 10 बजे हम लोग आए हैं, बोले कि 1 घंटा रुकी, अब आएंगे, इस तरह से अभी देख रहे हैं टाइम कितना हो गया, 2:30 बज गया अभी तक कोई है ना, वो ना कोई पहुँचा वहाँ पर, ना ही यहाँ पर, एक बार नीचे से ऊपर भेजा जाता हम लोग को, ऊपर आते हैं तो बोले भाई आप कहीं और देख लो, हमने जानते गेट लगा देते, लग रहा है कि हम लोग चोरी करना है, गुंडागर्दी करना है, यहाँ पर हम लोग गुंडे हैं, मतलब अपने डिग्री लेने के लिए इतना पैतरा करना पड़ रहा हम लोग को। हम आए हैं साहिबगंज से जी, पास आउट हम मेरा है 12-15 का सेशन है जी। क्या नाम है? तौहीद आलम। कब से घूम रहे हैं यहाँ? हम तो 1 महीने से लगातार, 1.5 महीने से लगातार घूम रहे हैं, कोई 3 साल से, एक मेरा दोस्त है, देखिए अब विश्वविद्यालय में अगर देखेंगे तो रोज यहाँ सैकड़ों स्टूडेंट का जो है जमावड़ा लगा रहता है, ये जमावड़ा सिर्फ छात्र जो है अपने शौक के लिए नहीं रहता है, विश्वविद्यालय द्वारा अगर छात्र परीक्षा दिए रहते हैं उनके जब उनका रिजल्ट आता है उसमें एब्सेंट लिख कर भेज दिया जाता है, मतलब पूरा सिंडिकेट विश्वविद्यालय में चल रहा है कि किस प्रकार से छात्रों से मोटा रकम वसूला जाए, इस तरह से यहाँ विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे यहाँ गेट लगा देना, 1973 जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से यहाँ छात्र जा सकते थे, लेकिन अभी कौन सा ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ ताला लगाने की आवश्यकता पड़ी है? विश्वविद्यालय को यह समझना पड़ेगा, ये छात्र ये गुंडे नहीं छात्र हैं, और छात्र पर अगर जब जब आपत आएगा तो कोई छात्र चुप नहीं रहेगा, विश्वविद्यालय की दशा और दिशा भी। भागलपुर के नगर निगम में आए दिन तरह तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहते हैं तो कभी वहां के कर्मी, और अब तो पार्षद भी अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था को ध्वस्त बनाने एवं भागलपुर नगर निगम प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ आज वार्ड नंबर 16 की पार्षद अमृतराज नगर निगम के कैंपस में ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जनप्रतिनिधि सिर्फ दिखावे के लिए हैं, हम लोग अगर किसी भी तरह की सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो ना ही नगर आयुक्त सुनते हैं ना ही मेयर और उप मेयर, आखिर हम लोग करें तो क्या करें।
जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे रहेंगे। हालांकि इस विषय को लेकर कई बार उन्होंने नगर आयुक्त को आवेदन भी दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक किसी तरह कोई काम नहीं हो सका है। धरना पे बैठने का कारण है कि कोई भी काम नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सभी उससे जो है ना रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, नगर आयुक्त महोदय को आवेदन दे दे के थक चुके हैं, मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहब आदित्य जायसवाल जी, सभी को बोल के थक गए हैं। तो कोर्ट का जो ना डेट दिया जाता है आज कल नरसों परसों, बस यही टाइम पे टाइम दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अब हम पार्षदों का बस यही रह गया है। अरे कुछ तो ऐसा नहीं तो हम लोग अपना काम तो नहीं करवा रहे हैं? जनता से जो आप वसूली कर रहे हैं उसी का तो हित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग तो अपना घर मकान नहीं बनवा रहे हैं, टेंडर पास हो गया है कुछ उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, प्याऊ लगा हुआ है उस पर संवेदक सही से काम नहीं कर रहा है। तो मतलब कि बस इसी तरह हम लोग रात दिन एक करके जनता का बात सुन। अनशन पर बैठने की ज़रूरत तब पड़ी जबकि पूरा शहर गंदगी के ढेर पर अभी है, और इसकी लिखित शिकायत हम लोगों ने कमिश्नर साहब को भी दिया था और मांग किया था कि आउटसोर्सिंग कंपनी को अविलंब हटाया जाए। उस पर कोई पहल नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि आज वार्ड नंबर 16 की पार्षद अमृता राज जी के वार्ड में जब गैंग की सफाई लेबर के द्वारा हो रहा था, बिना सूचना दिए हुए गैंग को हटा दिया गया, जिसके चलते आज पार्षद को गाली सुनना पड़ता है वार्ड में। इसी के विरोध में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और यह अनिश्चितकालीन धरना है जब तक कि सरकार हम लोगों की मांग मानने लेती। आज धरना पर हम लोग का बैठने का मकसद ये है कि शहर की गाढ़ी कमाई गरीब जनताओं की टैक्स के रूप में जो 1,47,00,000 रुपया जो है प्रत्येक माह जो है सफाई कार्य पर खर्च किया जाता है, फिर भी जो है आपका भागलपुर स्मार्ट सिटी गंदगी के ढेर पर बसा हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जनता के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है और नगर निगम के पदाधिकारी, महापौर, उप महापौर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनता के साथ जो है छल किया जा रहा है, जनता का दोहन और शोषण किया जा रहा है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग वार्ड संख्या 16 की पार्षद महोदया जो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई है उसके समर्थन में हम लोग बैठे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सारा शहर अभी कूड़ा से अस्त व्यस्त है। पिछले 8 महीनों से शहर के छोटे बड़े नालियों की साफ़ सफाई नहीं हुई है। मुंह देखा देखी कार्य किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा और साथ ही साथ यहाँ के जो कर्मचारी एवं पदाधिकारी हैं पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसी को लेके हम लोग यहाँ आज अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं और जब तक इस कार्य में सुधार नहीं होता है, जब तक नगर निगम हम लोगों को संबंधित कार्य से अवगत नहीं कराती है, अपने कार्य में सुधार नहीं लाती है, सफाई एजेंसी को हटाती नहीं है, और ऐसे भी कई मांगे हैं जो कि हम लोग मांग पत्र के द्वारा नगर आयुक्त को अभी सूचित। बिहार मुख्य पार्षद महासंघ जिला भागलपुर का चुनाव भागलपुर की सर्किट हाउस में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष संजीव कुमार, उपाध्यक्ष प्रीति कुमारी, सचिव दीपशिखा, कोषाध्यक्ष किरण देवी को चुना गया। नवनियुक्त संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि हम लोगों को हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन अब हमारा महासंघ का गठन हो गया, इसलिए अब हक की लड़ाई के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर सभी नवनियुक्त महासंघ के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन जदयू के मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने किया। इस मौके पर शिशुपाल भारती ने कहा कि सभी लोग बधाई के पात्र हैं, भरोसा है हम सभी लोग मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। ये जो भागलपुर जिला के नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष कहलगांव के संजीव जी अपने संगठन का संघ का अध्यक्ष बने, उनकी पूरी टीम भागलपुर जिला ने उनको अध्यक्ष बनाया, इसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना मैं संजीव जी को देता हूँ। साथ साथ अकबर नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष, हबीपुर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष, सबौर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष और पीरपैती नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जो अपने अपने दायित्व में आए इस कमेटी में, नौगछिया नगर परिषद और सुल्तानगंज नगर परिषद के भी सम्मानित अध्यक्ष, सबों ने जो अपना दायित्व लिया और इस तरह से मुख्य पार्षद का एक संगठन बनाकर अपनी जो अधिकार की बात होगी यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये लोग अब लड़ने की बात करेंगे और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इसके लिए मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना पूरी टीम को देता हूँ इनको।
बीसीएल सीजन 2 का आगाज 10 दिन पहले हो चुका था। इसमें 6 टीमें अपनी भागीदारी दे रही थी। सबों ने एक से बढ़कर एक उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः फाइनल में चंपानगर और मिर्जानहाट टीम पहुंची। वहीं फाइनल में चंपानगर टीम ने मिर्जानहाट को हराकर इस फाइनल कप पर अपना कब्जा जमा लिया। 10 दिनों तक खेले गए मैच में सभी खिलाड़ियों को आईपीएल की तर्ज पर बोली लगाकर खरीदा गया था। उसके बाद इस मैच में आईपीएल के ही तर्ज पर खेल भी आयोजित किया गया। वहीं मैच को सफल बनाने में भागलपुर के कई गणमान्य समाजसेवी के साथ साथ कई खिलाड़ी मौजूद थे। आईपीएल की तर्ज पर होने वाले बीसीएल सीजन 2 का क्रिकेट मैच सैंडिस कंपाउंड मैदान में आयोजित किया गया था। जहां तक मेरी टीम का सवाल है, तो मेरी टीम के सभी लड़कों ने मेहनत लगा कर क्रिकेट खेला और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया सभी ने। पूरे टीम के प्रयास की वजह से हम लोग यहाँ चैंपियन बने आज। आगे भी सीजन 3 होने वाला है, क्या उसमें खेलेंगे आपकी टीम की? सीजन 3 में भी कोशिश करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करें। खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ी लोग को बोलेंगे कि बस मन लगा के खेलते रहिए मेहनत से और ज़्यादा कुछ नहीं। क्या नाम है? कुमार गौरव। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे जितने स्पॉन्सर थे वो बहुत अच्छा योगदान दिया हमें, और विजय भैया जो इस टूर्नामेंट का सर्वोसर्वा थे। और ये टूर्नामेंट कराने का मेरा एक ही मकसद है, मैं पहले भी बोला हूँ कि जितने युवा प्लेयर हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लिए आएँ और आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करें डिस्ट्रिक्ट का। जी मैं मिर्जान टीम का खिलाड़ी हूँ और मेरी टीम थोड़ी फील्डिंग बहुत ही गंदा किया और थोड़ा सा बॉलिंग में नहीं रोक पाए उसको, इसकी वजह से हम लोग मैच लूज किए। तो क्या आगे भी मैच इस तरह से करवाते? जी बीसीएल 3 का हम कल से ही तैयारी चालू कर देंगे। जितने स्पॉन्सर हमसे जुड़ेंगे अगले साल और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कराएंगे। ओपनिंग सेरेमनी कराएंगे, फाइनल का जो एक दिन पहले हुआ उसका भी सेरेमनी कराएंगे। लगेगा क्या, कुछ लड़के लोग जो भी नहीं देखे हैं आईपीएल तर्ज के खिलाड़ी को कि कैसे क्या होता है, वो सारा व्यवस्था रहेगा अगले साल। बिल्कुल, ये बीसीएल सीजन 2 का आज समापन था और ये फाइनल मैच था जो मिर्जान किंग्स और चंपानगर वारियर्स के बीच में, जिसमें चंपानगर वारियर्स आज चैंपियन हुए और बहुत अच्छा जो है खेल का प्रदर्शन किए हैं। जिसके कैप्टन जो है गौरव हैं, गौरव कुमार हैं, उनका भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और ख़ासकर जो आज रनर टीम रहे हैं बासुकीनाथ मिश्रा जिसके कैप्टन हैं, उन लोगों का भी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन है और बहुत बेहतरीन। सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देना चाहता हूँ, जितने भी 6 टीम के खिलाड़ी थे हमारे इस बीसीएल 2 में, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है और आने वाला समय में, जैसा कि अभी सचिन बता रहे थे कि हम लोग अब कल से ही लग जाएंगे बीसीएल 3 के लिए, उसकी तैयारी के लिए, बिल्कुल बीसीएल 3 होगा अगर आने वाला समय में। गंगोत्री जागरण मंच भागलपुर इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन जिला मुख्यालय भागलपुर की प्रदर्शन स्थल पर किया गया, जिसमें सैकड़ों गंगोता जाति के लोग इकट्ठा होकर अपनी जाति को एससी जाति में डालने के लिए अपनी मांगों का हल्ला बोल प्रदर्शन करते दिखे। उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द एससी कोटा में डाला जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोग गरीबी रेखा से नीचे और हम लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते हम लोग अपनी मांगों को लेकर आज धरना पर बैठे हैं। हम लोग गंगोत्री जागरण मंच के बैनर तले अनुसूचित जनजाति में जाने के लिए बरसों से की मांग आरक्षण के लिए डीएम साहब को प्रतिवेदन देने के लिए धरना रखे थे। क्या मांग है? आरक्षण की मांग है अनुसूचित जनजाति में जाने का, क्योंकि हम लोगों के स्वजाति जो गंगोता जात है अति पिछड़ा हुआ जात है, इसको आरक्षण नहीं मिलने से कई तरह की त्रुटियां हैं। यदि आरक्षण मिल जाते हैं तो हम लोगों को बहुत तरह की सुविधाएं मिलेंगे, नौकरी में लाभ मिलेंगे और कई प्रकार के सरकारी लाभ में उन्हें फायदा होगा। आज क्या कर रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? आज धरना पर बैठे हुए हैं। नहीं मांग मांगे तो आगे क्या कीजिएगा? जी नहीं मांग होगा तो हम लोग पटना से दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए हमारा लगातार जारी रहेगा। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के निसअंबे पंचायत स्थित दिनेश राजक के घर में खाना बनाने के दौरान
गैस रिसाव होने के कारण आग लग गई। घटना में कूलर, पंखा, एसी समेत बिछावन कपड़ा जल गया। दिनेश रजक ने बताया कि खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ है, सिलेंडर में गैस रिसाव हो जाने के कारण आग लगी है। हालांकि लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग को जानकारी दी। दमकल विभाग की टीम आती उससे पहले ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया था। परिजनों ने बताया कि घटना में करीब 4 लाख से अधिक की क्षति हुई है। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रमुख ने सरकारी मुआवजा दिलाने की बात कही। घटना घटना आग लगी गई खाना बनाए से। अच्छा, खाना रोटी बनाए से रोटी बने तब आग लगी गई, पूरा घर जली गई। पूरा घर जली गई। हाँ। कितना नुकसान होलो छे? 4 लाख रो नुकसान होले। अच्छा, तो जेवर जल फ्रिज जल लय सब चीज जली गई, पंखा जल लय, LCD जल लय, लैपटॉप जल लय सब जली गई, कूलर जल लय सब जली गई, पूरा घरे जली गई, पूरे नाश हो गए। अच्छा, केना बुझलके? बुझलके समाज रो लोग ने, प्रशासन के सूचना देने रे? देने छले, अभी तक नहीं आइलो छे। कोई नहीं ले? कोई नहीं। केकरा केकरा सूचना देने रहिए? थाना के देने रहिए? हां। कौन थाना का? वसुदनपुर थाना। नहीं ले? नहीं आइलो छे अभी तक। 112 नहीं तो आइले? उ सब भी नहीं, उ सब अभी नहीं आइलो छे। केकरा देने रहिए? आरो एडवोकेट। एडवोकेट ठीक। की नाम होले अपने के? नीलम देवी। घर? बड़ी दिग्गज। ठीक। जो कि गैस में आग लगने से जो कि लगा था हमारे दिग्गी के रजक टोला में दिनेश बाबू के घर में, और आग इतना भयंकर था कि उसके घर का एक एक चीज जल गया। और इस आग को काबू पाने में पूरे ग्रामीण का सहयोग रहा, जो कि आग पे काबू पाया। और मैं राजेश बाबू को अपने तरफ से जो बन पाया मैं उन्हें आर्थिक मदद की है, और जो सरकार से बन पाएगा हम वो भी दिलाने का उन्हें वादा करके जाता हूँ। इसमें कोई क्षति होती है? कोई जानमाल का किसी का गुहार नहीं हुआ है? मतलब इतना क्षति हुआ है इनका कि मतलब एक एक पेपर, एक एक सोना जेवरात जो भी था इनके घर में आज के डेट में उसे कपड़ा पहनने तक नहीं है। किसी आदमी का नुकसान? ये आदमी कोई जलाने का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन्हें जो है आर्थिक रूप से बहुत। क्या चीज से लगा था आग? खाना बना रहा था उसी से सिलेंडर में आग पकड़ा, धीरे 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 पूरा घर आग फैल गया। तो पूरे ग्रामीण का सहयोग कहिए जो कि इनके घर पे